साइबर सिटी गुरुग्राम के निजी होटल में आम आदमी पार्टी की महिला विंग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बादशाहपुर विधानसभा और गुरुग्राम विधानसभा की महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। इस मौके पर साउथ जोन हरियाणा की अध्यक्ष मंजू गुप्ता ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कमर कसने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं से लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। बता दें, दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के बाद काफी उत्साहित है और हरियाणा में भी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है। पार्टी द्वारा दावा किया गया कि आगामी चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। हाँ जी, मेरा नाम राजबाला शर्मा है, मैं साउथ सिटी वन सिलोकरा से हूँ। आज महिला विंग की क्या मीटिंग हुई? आज महिलाओं की ये मीटिंग हुई है कि सबको एक दूसरे से मिलना और अपना काम बढ़ाना है और काफ़ी बढ़ चुका है। अब 22 सोना के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, हम सब महिलाएं मिलके वहाँ पे जाएंगे और हम आम आदमी पार्टी की महिला को वहाँ पे ललिता जी हैं उनको जिताना है। आज की सभा का यही हमारा संदेश था कि मीडिया भाई जो हैं सबको पता ही है कि आम आदमी पार्टी सरकार आने वाली है, तो भाइयों को भी हम आगाह करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए कुछ अच्छे से अच्छे संदेश दें। गुड़गांव में भी मेयर के लिए महिला का है, तो उसको क्या करना है? देखो जी, वो तो ऊपर वाले बैठे हुए हैं, मेयर के नाम तो जा चुके हैं, बैठे वो हैं, उनके हाथ में हैं। जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, मेयर का पद का अधिकार वही होगा जो कि पूरे समाज को, सारी महिलाओं को, पूरे हरियाणा को, पूरे गुड़गांव को साथ लेके चलेंगे। सबको एक दूसरे को साथ हाथ पकड़ के हम चलेंगे तो हमारी चैन बन चुकी है महिलाओं की। और अब की बार गुड़गांव के अंदर महिलाओं की भागीदारी 50% हो चुकी है। आज से पहले किसी भी सरकार ने महिलाओं को आगे नहीं लाई, ये केजरीवाल सरकार ऐसी है जो कि आज महिलाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज से पहले हमने किसी की नहीं सुनी, तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ होगी महिलाओं के लिए। मैं कटारिया महिला अध्यक्ष गुड़गांव विधानसभा से हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की जो महिला आम आदमी ने मतलब पार्टी ने जो महिला सीट आरक्षित की है उसके लिए हम लोग सभी महिलाएं बड़ी उत्सुक हैं और चाहते हैं कि आने वाले चुनावों में हम महिलाओं को बढ़ चढ़ के भागीदारी रहे ताकि महिलाओं की भी जो शक्ति है वह बढ़ पाए। जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक सपना देखा था कि महिलाओं की भागीदारी हमारे समाज में बराबर होनी चाहिए, अब वो वक्त आ गया है कि महिलाएँ बराबर पुरुषों के काम कर पाएँ, उसके लिए अब राजनीति में भी वह सक्रिय हो चुकी हैं। क्या कहेंगे कि किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, महिलाओं को जोड़ रही हैं, किस तरह से प्लानिंग चल रही है? महिलाओं की समस्याओं के बारे में हम लोग उनसे पूछते हैं, उनके लिए हम प्लान करते हैं कि किस प्रकार से उन्हें रोजगार दिया जा सके। रोजगार के अवसर मिलेंगे तो वे अपने आप में शक्तिशाली हो जाएंगी और वे किसी भी मुसीबत के लिए किसी के मोहताज नहीं रहेंगी। हमने एक मेंबरशिप ड्राइव भी स्टार्ट की है जिसमें कि महिलाएं सबसे अधिक मैंने देखा है कि आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है और मिस कॉल के लिए जितने भी नंबर जा रहे हैं वो अधिकतर महिलाओं के नंबर ही हैं। एक बार थोड़ा पहले अपना पद बताइए और नाम बताइए। आईडी पर। नमस्कार, मैं अलका शर्मा, जोन प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, क्या मुद्दा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का और महिलाएं अपने अपने विधानसभा में किस तरह से प्रयास कर रही कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला जुड़े? जी, मैं फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। महिला किस तरह से महिलाओं को जोड़ रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी अब जमीनी स्तर पे उतर चुकी है, हर हर इस संगठन को मजबूत करने के लिए वार्ड वाइज, बूथ वाइज दोनों की जगह से महिलाओं को एक एक चुन चुन के निकाल रही है, महिलाओं को जो कि एक्चुअल में कुछ करना चाहती हैं। मैं पहले बताती हूँ आपको कि हमारा जो बजट है, जो आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो बजट था हमारा, दाल रोटी चावल सब चीज़ का भर चुका है। तो हमने महिलाओं ने खासकर ये ठान लिया है कि इस सरकार को भगाकर महिलाओं को ये देखना है कि महंगाई कैसे कम होगी और महंगाई को कम करने के लिए ही महिलाओं ने अब बेलन भी उठा लिया है। देखिए, जितनी भी महिलाएं हुई आई हुई है ना, ये प्रेरित होकर आई हुई हैं, ये देख रही हैं कि जो विकल्प है वो अरविंद केजरीवाल जी हैं,
जो कि महंगाई की मार से मरे हुए लोग हैं, जितने परेशान लोग हैं, महिलाओं की, खासकर महिलाओं को ही देखो, बजट बनाना पड़ता है महिलाओं को, और महिलाएं ही इसमें 50% की भागीदारी भी करेंगी, और इसलिए महिलाएं हमारे साथ रोज जुड़ रही है, हजारों की संख्या में महिला हमारे साथ जुड़ रही है। क्या आपने भी मेयर की टिकट के लिए दावेदारी की है? देखिए, दावेदारी तो हर किसी का हक है, हर किसी का हक है दावेदारी करने का। महिला, हर महिला अपने आप में सक्षम है मेयर के इलेक्शन के लिए। अगर मुझे आला कमान कहेगी कि आप इलेक्शन लड़ो तो मैं भी लड़ लूँगी।